आज हम लोगों ने नैला रेलवे स्टेशन चौक से राम प्रसाद तालाब तक जो फेज टू उधर की सड़क का निर्माण हो गया था, सीसी रोड के ऊपर में डामरीकरण, तो फेज वन जो है नेताजी चौक से राम प्रसाद तालाब तक का पूरा हो गया था। और सभी नागरिकों की मांग थी कि फेज टू का भी काम शीघ्र संपन्न होना चाहिए। राम प्रसाद तालाब से नैला रेलवे स्टेशन चौक तक फेज टू 47,69,000 रुपए की राशि पिछले बजट सत्र में हम लोगों ने इसे स्वीकृत कराया था, सब लोगों ने मिल करके, और विधानसभा में भी इसको रखा था, क्योंकि ये अत्यंत ही व्यस्त मार्ग है, प्रमुख मार्ग है शहर का, मेन रोड है, और इस लोगों ने, हम लोगों ने हर संभव प्रयास करके माननीय मंत्री जी से मिलके, विभाग के उच्च अधिकारियों से बातचीत करके इस सड़क को स्वीकृत कराया था, और आज इसका विधिवत रूप से भूमि पूजन संपन्न हुआ है। इस अवसर पर हमारे जनपद अध्यक्ष जी भी हैं, उपाध्यक्ष जी भी हैं, नगर पालिका के सारे पार्षद हैं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी हैं, सब लोगों में हर्ष भी है। मुझे अनेक यहाँ के नागरिकों ने, व्यापारिक संस्थाओं के लोगों ने, सामाजिक संगठनों के लोगों ने इस सड़क के स्वीकृति प्राप्त होने पर धन्यवाद भी दिया, आभार भी व्यक्त किया, और हम सब लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं निरंतर कि शहर के और क्षेत्र के जितनी भी सड़कें अभी अधूरी हैं, जो भी जीर्ण शीर्ण हो गई हैं, चाहे वो लोक निर्माण विभाग की हो या राष्ट्रीय राजमार्ग की हो या प्रधानमंत्री सड़क हो या सीएम सड़क हो, ये हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं किन सड़कों का सबका जीर्णोद्धार हो, उनकी मरम्मत हो, उनका नवीनीकरण हो, ताकि लोगों को आवागमन की दृष्टि से कोई दिक्कत मत हो। ये प्रयास हम सब लोग मिलकर के अपने अपने स्तरों पर कर रहे हैं। कोरोना काल के कारण अभी कोई काम भी नहीं हो पाया, और वैसे भी प्रदेश में थोड़ी आर्थिक संकट की स्थिति, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी सड़क का काम अधूरा है वो शीघ्र पूरा हो। आज की सड़क के भूमि पूजन का काम, भूमि पूजन संपन्न हो गया है, और आज से ही जांजगीर नैला रेलवे स्टेशन से राम प्रसाद तालाब तक का जो सेकंड फेज का सड़क है उसका निर्माण कार्य आज से ही प्रारंभ हो जाएगा। मैं इसके लिए सभी नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। For more information, log on to www.clips.in.